इन दिनों नगर में कई स्थानों पर कॉलोनियां काटी जा रही है, जिनमें से अधिकांश कॉलोनियों में मार्ग निर्माण के लिए भारी मात्रा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ऐसा एक मामला बाईपास मार्ग स्थित ब्रजधाम कॉलोनी में देखने में आया है। कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी के सड़क निर्माण में अवैध रूप से मुरम का उत्खनन कर उपयोग में ली जा रही है, लेकिन राजस्व एवं खनिज अधिकारी इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अवैध खनन की गई मुरम अधिकारियों के लिए कार्यालयों के सामने से बेखौफ होकर गुजरती है। एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अवैध उत्खनन पर सख्ती से रोक लगाने की बात करते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए पदाधिकारी स्वयं अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए होने के कारण कॉलोनाइजर के विरुद्ध खनिज एवं राजस्व अधिकारी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में फोन पर तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पानिका ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। उधर संदीप धूत, जो नगर परिषद में भाजपा के उपाध्यक्ष पद पर आसीन है, उन्होंने कहा कि कॉलोनी के अंदर जो भी काम हो रहे हैं वह नियम के मुताबिक ही किए जा रहे हैं। जो मुरम लाई जा रही है वह मेरे बड़े पापा राधेश्याम जी धूत के खेत में तालाब खोदा जा रहा है, वहां से लाई जा रही है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। ये बाईपास पे जो आप कॉलोनी काट रहे हो, किस नाम से कॉलोनी काट रहे हैं आप? ब्रजधाम कॉलोनी। ये रेरा के अंतर्गत नियम के अनुसार आप काम करा रहे हैं? पूरे नियम के अनुसार काम है। रेरा के भी हमने आवेदन दे दिया है, बाकी TNC ये सब कम्प्लीट है कॉलोनी की। अच्छा, एक ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप जो यहाँ पे रोड बनाने के लिए मुरम वगैरह का जो उपयोग कर रहे हो, इसमें रॉयल्टी की चोरी करके और आप जो है मतलब मुरम ला रहे हो। वो तो सब आपके सामने दिख रहा है, कितनी मुरम है, क्या है। और रॉयल्टी जो मुरम की बात है, तो मुरम हमारे पड़ोस में राधेश्याम जी मेरे बड़े पापा हैं, उनके खेत में तालाब खुद रहा है, वहाँ से मुरम लेके आए थे, बस ये बात। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।